एक्सरसाइज थी है ना, लास्ट एक्सरसाइज में जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था उसमें क्या था, फिर लास्ट साइज में क्या पढ़ा कि अगर कहीं पे साइन का प्रोडक्ट है ना, और उसको हमें सम के एंगल में चेंज करना पड़ेगा, क्या कर सकते वही फॉर्मूले के बारे में समझ से, टू साइन ए कॉस थी, टू कॉस ए कॉस थी, टू साइन ए साइन थी, उनको हम क्या कर पाते, उन फॉर्मुलों को एज ए सम ऑफ टू एंगल्स चेंज कर पाते है ना। अभी देखो भाई फॉर्मूले में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी हमें क्या करना है, सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है ना। तो सम को प्रोडक्ट में करने के लिए जो हमारी एक्सरसाइज नेक्स्ट है, इसमें हम सम को प्रोडक्ट में क्लियर करेंगे है ना। मैं बार फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं, साइन सी प्लस साइन डी एज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी कॉस सी प्लस कॉस डी एस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस बाई टू। नोट कर लिया फॉर्मूले पहले है ना, कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे, कुछ क्वेश्चन आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बहुत ही आसान था। आएंगे वाई वे माइनस साइन डी ए अपॉन कॉस वाई वे प्लस कॉस ए, आप जो व्हाट्सएप करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ठीक है। दूसरी फॉर्म टैप की एन सी आर टी से कॉस ए प्लस कॉस टी एस टेन टू ए, बिल्कुल फॉर्मूला इस प्रॉब्लम से सारी साइन ए प्लस साइन डी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस टी एस टेन प्लस डी बाई टू, चौदह भी एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड कॉस सेवन ए प्लस कॉस फाइव ए अपॉन साइन सेवन ए माइनस साइन फाइव ए स्क्वायर, जस्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, तो आपके फॉर्मूले पढ़े सिंपल एप्लीकेशन है ठीक है। सारे बच्चे मुझे जल्दी से सॉल्व करें और मुझे व्हाट्सएप करें, आगे समझ ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है ना, जस्ट आपको बेसिक से क्वेश्चन है एनसीईआरटी लेवल के। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू बाय टू अपॉन में क्या है कॉसी प्लस कॉसी, तो कॉसी प्लस कॉसी कितना होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ऊपर जाएगा टू कॉस फोर ए साइन ए अपॉन नीचे भी जाएगा टू कॉस फोर ए कॉस टू कॉस फोर ए टू कॉस फोर ए जाएगा आपका एंड देन यू हैव साइन ए अपॉन कॉस ए व्हिच इज इक्वल टू व्हाट इक्वल टू टेन, तो साइन अपॉन कॉस ए इक्वल टू टेन। आगे साथ बच्चों को ये आंसर इतनी देर सारे आंसर चाहिए आंसर आप लोगों के, कोई बच्चा ऐसा जिसके सारे आंसर आ गए,
सही क्वेश्चन आंसर आ गया। हार्ड डायमंड किस फॉर्मूला में है? हार्ड डायमंड इज अ आयताकार कौन सा? सेकंड क्वेश्चन, साइन 17x माइनस 90x
माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, यू कैन टेक 10 मिनट्स टू सॉल्व ऑल थ्री प्रॉब्लम्स, है ना। इन तीनों को सॉल्व करिए और ये भी सारी सारी फॉर्मुला वाइज प्रॉब्लम्स हैं, है ना। चलिए सारे बच्चे को इन थ्री प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए, टेक योर टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसे ताने में चेक करना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस सी माइनस कॉस डी। बस कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ना, क्योंकि इसमें पहले क्या था, साइन सी प्लस डी बाई टू आता है और बाद में साइन डी माइनस सी आता है। थोड़ा ध्यान रखना, जो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला है सारा तो सब कुछ सेम चलता है, इसमें साइन में एंगल उल्टा हो जाता है, डी का एंगल आता है। तो फॉर्मूला होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ऐसे आता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू अपॉन साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन माइनस डी बाई टू। टू साइन सेवन एक्स कॉस माइनस फोर एक्स, फाइव एक्स माइनस नाइन एक्स कितना होता है, माइनस फोर एक्स बाई टू। दिस इज कॉस माइनस टू एक्स अपॉन टू कॉस टेन एक्स एंड साइन सेवन एक्स, ठीक है। ये गया टू से टू गया, तो फाइनल आवर्स कितना है, साइन माइनस टू एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स, और साइन माइनस कितना क्या हो गया, माइनस साइन कितना होता है, माइनस फाइव आ जाएगा। दिस इज माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट भी मुझे लगता है सबसे हो गया होगा, मैं सिर्फ थर्ड सॉल्व करवा देता हूं। क्यों भाई, हालांकि सेकंड क्वेश्चन में लगता है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा, दैट फॉर्मूला इज द सेकंड क्वेश्चन। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू अपॉन टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी। दिस इज टू साइन फोर एक्स कॉस एक्स अपॉन टू कॉस फोर एक्स एंड कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स जाएगा, टू से टू जाएगा, दिस टेन फोर एक्स, ये वैल्यू होती है, क्लियर। थर्ड भाई किसने कर लिया, थर्ड क्वेश्चन इसी से देखिए चल रहा है। तो यहां पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाई टू एन टू कॉस सी माइनस डी बाई टू।
अगर पूरा ब्रैकेट लगा दिया तो सॉल्व करते समय सर को ब्रैकेट ही लगा दो, समझ नहीं पाते कुछ, वो साइन एक्स प्लस कॉस टी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला लगाते हैं एंड दिस इज टू कॉस सी प्लस टी बाई टू. सॉरी अपना फॉर्मूला बोलो, बोलो कॉस टी माइनस कॉस टी का क्या होता है बोलो. सी प्लस टी बाई टू इंटू साइन डी माइनस टी. यहां गलती हो जाएगी आप लोगों से, बाई टू इंटू क्या इंटू कॉस एक्स. ठीक है ये वैल्यू आएगी ऐसे बच्चे कॉस टी माइनस कॉस टी के फॉर्मूले में अभी करते हैं. दिस इज टू साइन टू एक्स cos 2x sin x plus 2 sin 2x and sin minus x cos x. ये बैलेंस को सॉल्व करने का x minus 3x by x minus 3x कितना हो जाएगा minus 2x by 2 minus x मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 sin 2x cos 2x sin x. अगर साइन माइनस एक्स कितना होता है माइनस साइन होता है वो माइनस का आ जाए तो वी हैव माइनस टू साइन टू एक्स साइन एक्स इन टू कॉस एक्स. अच्छा यहां पे कॉस एक्स अगर नहीं गलती बात बता दे रहे हैं यहां पे भी मिलकर कॉस एक्स दोनों सेम आगे फिर आगे जीरो होकर ठीक है. क्यों भाई कहां माइनस था सही तो है बस मैंने सिर्फ इस साइन माइनस एक्स को माइनस साइन एक्स कर दिया वो माइनस बाहर आके बन जाए सब कुछ आगे जीरो आ गया. क्लियर कॉस फोर एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स प्लस कॉस टू एक्स अपॉन साइन फोर एक्स प्लस साइन थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स थ्री थ्री एंगल्स का सम है और इसको आपको प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू कॉट थ्री एक्स. ठीक है ये भी एनसीईआरटी के डायरेक्ट प्रॉब्लम है ना. चलिए ट्राई मारिए एक बार सारे बच्चे तो बताइए यहां पे क्या है कि हमें प्रूफ करना है cot 3x इक्वल एंगल कौन कौन से बताओ सारे बच्चे ध्यान देखना पहले एंगल कौन कौन से 4x 3x और 2x. ठीक है अब देखो होगा क्या थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से बात को सॉल्व करना. अगर मैं 4 और 3 को साथ ले लूं ठीक है क्वालिटी मैं बोल रहा हूं अगर मैं 4 और 3 को साथ ले लूं क्या होगा वैल्यूज क्या क्या लिखता हूं. अगर मैं 4 और 3 को साथ ले लूं तो वैल्यू आएगी क्या 4 प्लस 3 बाई 2 एंड तो ये आएगा 3.5 है कितना आएगा 1.5 शायद 1.4 है. ठीक है किसको 4 और 3 को ले रहे हैं फिर जब मैं इन एंगल्स को 2x के साथ करूंगा तो थोड़ा फॉर्मेटिक कटेगा. हमें करना क्या होता है जब भी कभी तीन आपको एंगल्स चाहिए है ना हमें देखना होता है कि किन दो एंगल्स को ऐड करने पे किन दो एंगल्स को ऐड करने पे हाफ कर दिया जाए या दो एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके हाफ कर दिया जाए तो उसमें तीसरा एंगल आ जाना चाहिए. पापा इजी पड़ेगा बाकी आप नहीं से जाएगा लंबा कट ठीक है. अभी मैं करना क्या है तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 4x और 2x को ऐड करके हाफ करूं तो कितना रहता हूं 3x आ रहा है आ रहा है नहीं आ रहा है. जब 4x 2x बाई 2 करूं तो x आ रहा है तो मुझे दिख रहा है कि 4x और 2x को ऑपरेट करके मतलब 3x आया है ऑलरेडी वी हैव 3x. तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना है कि एक एंगल इन तीनों में से किन्हीं दो का क्या होगा एवरेज होगा तो हमें उन एंगल्स को उठाना है. क्लियर तो बताइए किन एंगल को साथ लेंगे. काफी बच्चों ने जीत भी दिया से समझ में आया कि मुझे cos 4x और cos 2x से भी ज्यादा फायदा होगा
ठीक है, अपॉन अभी सिमिलरली मुझे साइन 4x साइन 2x से भी ज्यादा फायदा होगा, साइन 2x में छोड़ दो, यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं cos t प्लस cos t का, तो 2 cos t प्लस डिवाइड बाय 2 cos c माइनस डिवाइड बाय 2 प्लस cos 3x अपॉन 2 साइन c प्लस डिवाइड बाय 2 इनटू cos c माइनस डिवाइड बाय 2 एंड प्लस साइन साइन 3x ना। चलो भाई ऊपर क्या रहता है और करके बड़ा ऐसे कुछ लगेगा, सब कुछ ऐड करना पड़ेगा, अभी देखते हैं ऐसा करना ऊपर के साइन लाइए 2 cos 3x एंड cos x प्लस cos 3x अपॉन 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x है। अब देखो ऊपर से क्या फॉर्म आ रहा है, तो cos x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 2 cos x प्लस 1, सिमिलरली नीचे से sin 3x कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में आएगा, अमर भी आपके पास समझ रहा हूं मैं क्या करता हूं, कट जाएगा दोनों ठीक है, और कटने के बाद जो वैल्यू आएगी ये हमारी आ जाएगी शायद cot 3x, ये आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे देखे और पता है मुझे यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे 4 एंगल्स है ना, sin a प्लस sin 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a अपॉन कॉस a प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a एंड प्लस कॉस 7a एंड दिस इज इक्वल टू tan 4x। आपको समझ में आ रहा होगा, नोट के पहले क्वेश्चन एक बार है ना, इन एंगल्स को ऐड करने पे या ऐड कर लो या सबट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करो और 4 आ जाए, उनको हमें क्लब करना है ना। तो अगर ये बात कहो, अगर मैं a प्लस 3a को ऐड करके 2 करूं कितना आएगा, क्यों भाई अगर मैं 3a को ऐड करूं तो 2a आएगा है ना, और सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस आएगा, यहां सारा काम बनने वाला नहीं, मैं ए और पी ए को क्लब नहीं कर सकता हूं ठीक है। अगर जो ए और फाइव ए को क्लब करना है तो आप देखो ए प्लस फाइव ए बाई टू की वैल्यू 3 आएगी और ए माइनस फाइव ए बाई टू की वैल्यू माइनस 2 आएगी, यहां से मेरा काम नहीं बना, अपने पास करो, अगर आप गलत ट्रैक चले तो आंसर नहीं आएगा सर, क्योंकि हमें टाइम 4 लाना है है ना। तो मैं देखा कि a और 3a को साथ लेने पे 2a बनता है माइनस a बनता है, a प्लस 5a को लेने पे 3a बनता है माइनस 2a, a और 7a को लेते हैं, जब a और 7a को लोगे तो देखो ये 4a आ गया समझे, तो हमें 1 और 7 को साथ क्लब कर देना है और 3 और 5 देखो आप अगर 3 और 5 ऐड करते हो तो यहां भी आपको 4 मिल जाता है ठीक है। तो यहां से हमको हिंट मिल रही है कि जब मैं दो दो को क्लब करेंगे तो एक बार हम 3 और 5 को क्लब करेंगे और एक बार 1 और 7 को क्लब करेंगे, तो चलिए आप लोग बट ट्राई मारिए, हिंट मैंने आपको दे दिया, इनको एक साथ लेते हैं, मैंने आपको बोला कि आपको a और 7a को एक साथ लेना है प्लस sin 3a प्लस sin 5a को एक साथ लेना है अपॉन यहां पे
cos a plus cos a हमें कुछ साथ लेना है plus cos b a plus cos 5 a कुछ साथ लेना है. क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 plus 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 upon cos c plus cos b. formula se kya aata hai? Ye formula aata hai, kya hota hai cos c plus cos b? cos a plus b plus cos c plus b by 2 into cos acha cos a cos b ko samjhne ke liye c minus b by 2 and plus fir wahi cos c plus cos b ka cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 ये आएगा 2 sin कितना टू साइन 4a cos minus 3a plus 2 cos 4a cos minus 8 upon two cos 4a cos minus 3a plus 2 cos 4a into cos minus 8. Yeah, right. ऊपर कॉस नहीं था, ऊपर साइन था. कॉस सूत्र क्या बोल रही हूँ मैं? साइन हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए भाई ऊपर कॉमन लिया, टू साइन फोर कॉमन ले लिया, बचेगा cos 3a प्लस cos a अपॉन में 2 cos 4a कॉमन लिए, तो देखिए cos 3a प्लस cos a ये कट जाएगा, tan 4a आ जाएगा. अमन बोलो क्लियर है भाई?